का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था व्हाट द हैमर में, हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स जो कि बीफॉर्म बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में है। फार्मास्यूटिक्स के नाम से तुम लोगों को समझ, डी फार्मा वालों में फार्मास्यूटिक्स के नाम से है ये आपका फर्स्ट ईयर में। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे साइड इफेक्शन, क्लियर है? थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दे एक बार, साइड इफेक्शन पढ़ रहे थे। उसमें क्या होता है कि हम बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं अलग अलग प्रोसेस से। उसके बाद हमने पढ़ा था कौन कौन से मिल यूज होते हैं, तो पहला हमने पढ़ा था हैमर मिल, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके प्ले लिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। बॉल मिल की बात अगर हम करते हैं तो बॉल मिल दूसरा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मिल है। इसमें देखो होता क्या है, एक हमारे पास ये स्टैंड, देखो इसको एक बार समझ लो फिर नोट करना। ये स्टैंड है तो इधर देखो, ये स्टैंड है, इस स्टैंड में दोनों तरफ से क्लैंप लगे हुए हैं, क्लैंप समझते हो ना, हुक लगे होते हैं, फंसाए होते हैं। और ये एक डिब्बा है, एक डिब्बा है जो खोखला या खाली डिब्बा, आपको डिब्बा ले, और उस डिब्बे के अंदर बॉल्स भरे हुए, बॉल बेसिकली आयरन के भी हो सकते हैं, कांच के भी हो सकते हैं, पत्थर के भी हो सकते हैं, कुछ गोले भरे गए हैं। और क्या करते हैं कि हम यहाँ से इस बॉक्स को ओपन करके, ठीक है, यहाँ से हम बॉक्स को ओपन करके हमारा जो भी मटेरियल है जिसको हमको तोड़ना है या जिसका साइड एक्सेप्ट करना है, यहाँ से लोड कर सकते हैं। अब देखो लोड करके हम इसको जैसे ही चलाएंगे, अब इमेजिन करो कि किसी डिब्बे में, किसी एग्जांपल तौर पर मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका डिब्बा है और इसके अंदर कोई बॉल्स भरी है, और इसको ऐसे 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 घुमाएंगे तो जो बॉल है घूमेगा भाई, बॉल भी घूमेगा, लड़ेगा, खटर 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 करेगा, स्पीड तेज करेंगे तो और तेज घूमेगा, धीरे घुमाएंगे तो और धीरे घूमेगा, ये बॉक्स के अंदर। दैट्स इसी तरह से सिंपल, ये हमारे बॉक्स के अंदर बॉल भरे हुए हैं, हमें जिसका करना है साइज रिडक्शन, उस साइज रिडक्शन के मान लो इसके अंदर बॉल भरे, हमको चना लेना है और चना को तोड़ के बेसन बनाना है, तोड़ना है, इसके अंदर हम चना भर दिए। अब जब इसको हम रोटेट कराएंगे तो ये बॉल जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो चने ऊपर लड़ेगा भाई, एक चना, चना भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो चना दो बॉल के बीच में आएगा तो पीसेगा, टूटेगा। इसी तरह से जो हमारा मटेरियल जिसको हमको पीसना है, तोड़ना है, वो जब दो बॉल्स के बीच में आएगा, लड़ेगा, तो यहाँ पे इम्पैक्ट भी हो रहा है और एट्रिशन भी हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो हमारा जो प्रिंसिपल है किस पे काम करता है, इम्पैक्ट पे और एट्रिशन। एट्रिशन मतलब होता है रगड़ और इम्पैक्ट मतलब होता है धक्का, लड़ेगा भी और एक दूसरे पर दरेर भी जाएगा, दरेरा रहता है ना, जब कोई चना पीसे दरेरना, तो वो क्या होगा, इम्पैक्ट और एट्रिशन होगा जिससे वो पार्टिकल छोटा होगा। ये हमारा सिंपल सा बॉल मिल है। अब इससे बॉल मिल जो है वो स्पीड पे बहुत डिपेंड करता है, फिर सब तो मार्क आउट करते हैं, बॉल मिल डिपेंड करता है स्पीड पे। अगर स्पीड हम बहुत धीरे कर दें, जब बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे तो इसके अंदर जो बॉल्स भरी है वो धीरे धीरे मूव करेंगी, तो वो जरूरी नहीं है कि चने से जाकर टकराए, ठीक है? तो ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेगा स्लो में, और इस समय जो हमारा साइज रिडक्शन है वो नहीं होगा। साइज रिडक्शन क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा केस ये है कि हम स्पीड को बहुत फास्ट कर दें, जब हम स्पीड को बहुत फास्ट कर देंगे तो अब क्या होगा कि तेज तेज घूमने के कारण ये जितने बॉल हैं वो किनारे किनारे घूमने लगेंगे। अब पता है आपको, जब तेज तेज घुमाओ तो किनारे किनारे घूमने लगेंगे, बीच में नहीं आएंगे, किनारे किनारे घूमेंगे और हमारा जो चना या ड्रग है वो बीच में ले जाएगा, तो इन बॉल से टकराएगा ही नहीं। तो अब क्या होगा, इस केस में भी साइज रिडक्शन नहीं, बहुत स्लो करोगे स्पीड तो भी नहीं होगा, बहुत फास्ट करोगे तो भी। लेकिन अगर स्पीड को हम मीडियम कर दें, तो जब हम मीडियम करेंगे तो ये बॉल ऐसे ऊपर उठेंगे और फिर नीचे गिरेंगे, ये पूरा चक्कर नहीं पूरा करेंगे, ये जैसे भाई ये हमारा जो बॉल है ऊपर आया तो ऊपर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि भाई ग्रेविटी फोर्स लगती है, ये बॉल जब नीचे गिरेंगे और यहाँ के बीच में जो चने रखे हैं, जो ड्रग रखी जाएगी, वो टकराना इससे शुरू हो जाएंगे और साइज रिडक्शन शुरू हो जाएगा। तो साइज रिडक्शन जो होता है बॉल मिल में वो डिपेंड करता है स्पीड। तो हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल, दूसरी घटी की कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि भाई एक स्टैंड होता है लोहे का, उसमें क्लैंप लगे होते हैं, उस क्लैंप के बीच में एक हमारे पास स्टील का या स्टील का या कोई भी चीज का एक डिब्बा उसके अंदर भरा होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं बॉल्स भरे होते हैं, ये बॉल्स की संख्या फिक्स होती है और ये बॉल की साइज भी अलग अलग होती है, और ये बॉल पत्थर भी हो सकते हैं, शीशे भी हो सकते हैं, लोहे भी हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील भी हो सकते हैं, बेसिकली स्टेनलेस स्टील का ही यूज किया जाता है। ये स्ट्रक्चर हो गया। अगली हेडिंग है वर्किंग, ठीक है? हम लोग हेडिंग क्या पढ़ते हैं, पहला प्रिंसिपल, दूसरा हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन, अगली हेडिंग है वर्किंग। वर्किंग का मतलब है कैसे काम करता है, बहुत सिंपल सा तरीका है, ढक्कन खोलो, मटेरियल भरो, ढक्कन बंद करो, मशीन चालू करो, स्पीड मेंटेन करो, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, कुछ देर बाद बंद करो, सारे बॉल निकाल के उसको चाल लो, हमारा वो मटेरियल। एडवांटेज की बात कर ले, फायदा, तो फायदा एक ये है कि इसके अंतर्गत कोई भी धूल नहीं उड़ेगी, क्योंकि मशीन तो बंद है,
मान लो गेहूँ पीस रहे और आटा उड़ता है भाई, जो भी उड़ेगा इसके अंदर ही रहेगा ना, ढक्कन बंद है तो इसके अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं निकलता, कोई भी धूल नहीं निकलती। दूसरा ये होता है कि इसमें हम बड़े पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, हर प्रकार के पार्टिकल को आसानी से हम इसमें पीस सकते हैं या इसका हम सही एडिशन कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। तीसरा है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। चौथा एडवांटेज ये बहुत शोर नहीं करता, जैसे हमारा हैमर मिलता भाग 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 तो चलता चक्की की तरह, इसमें कोई भी बहुत शोर वाली बात नहीं है, ये छोटे स्केल पर भी हम इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज, नुकसान की बात करें कि क्या इसके डिसएडवांटेज है, तो पहला इसमें भाई वही मटेरियल जो फाइबर्स होते हैं जैसे मूली गाजर, इसको हम इसके अंदर नहीं कर सकते क्योंकि काटने काम नहीं करेगा, ठीक है, इसको हम इसके अंदर नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल चाहिए होगा तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो हाँ, ये सब छोटे स्केल के लिए होता है, ये इसके एडवांटेज हो गए और डिसएडवांटेज। ये तो हमारा ओवरऑल हैमर भी, ठीक है, इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्लूइड एनर्जी, ठीक है।